फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड मैप लिटरेचर। और पिछले लेक्चर्स में हम रेनेसा प्रोस के बारे में पढ़ रहे थे। तो रेनेसा में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोस है वो है यूटोपिया, जो लिखा था सर थॉमस मोर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूटोपिया के बारे में। यूटोपिया को हम 5 सेक्शन में पढ़ेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेकेंड ऑदर्स की लाइफ के बारे में जानेंगे, थर्ड समरी पढ़ेंगे यूटोपिया की, फोर्थ मेन आइडियाज डिस्कस करेंगे यूटोपिया के, और लास्ट में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs पढ़ेंगे जो यूटोपिया और सर थॉमस मोर के ऊपर आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। तो जो वर्ड है यूटोपिया, जो टाइटल है वर्क का यूटोपिया, वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यूटोपोस, जिसका मतलब होता है नो प्लेस, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है यूटोपोस, जिसको बोलते हैं गुड प्लेस। तो यूटोपिया का मीनिंग यहाँ पे है अ परफेक्ट प्लेस। तो यूटोपिया का मतलब हुआ अ परफेक्ट प्लेस, जहाँ की हर एक चीज़ परफेक्ट है, जहाँ के गवर्नमेंट परफेक्ट है, जहाँ के लोग परफेक्ट हैं, जहाँ की सोसाइटी परफेक्ट है, जहाँ का रिलीजन परफेक्ट है, जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कोई दुख नहीं है। तो उस प्लेस को बोलते हैं यूटोपिया। ये वर्ड सबसे पहले कॉइन किया सर थॉमस मोरे ने अपने वर्क में। तो सर थॉमस मोरे ने ये वर्क क्यों लिखा, इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला, ये अपनी सोसाइटी को वैसे ही परफेक्ट बनाना चाहते हों, या दूसरा, ये अपनी सोसाइटी पर सटायर कर रहे हों, अपनी सोसाइटी की सेंस, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोगों पर सटायर कर रहे हों। तो बहुत से लिटरेरी स्कॉलर्स ने ये रिसर्च की कि सर थॉमस मोरे ने सटायर किया है इंग्लिश सोसाइटी के ऊपर, वहाँ के किंग के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर, वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, वहाँ के जस्टिस के ऊपर। यूटोपिया मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इंग्लैंड का, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये लैटिन में लिखा हुआ है। यदि ये इंग्लिश में लिखा होता तो ये इंग्लिश का मास्टरपीस होता, लेकिन ये लैटिन में लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1551 में रैल्फ रॉबिन्सन ने। अब हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है ऑदर्स लाइफ। सर थॉमस मोर की लाइफ के बारे में हम जान लेते हैं। सर थॉमस मोर वाज बोर्न इन लंदन इन 1478। इनके फादर एक अटॉर्नी थे और एक वेलविंग फैमिली से बिलोंग करते थे। सर थॉमस मोर की परवरिश एक रोमन कैथोलिक की तरह हुई। जब ये छोटे थे तो उन्हें जॉन मॉर्टन आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी का पेज बनाया गया, जो उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। मोर ने बेसिक एजुकेशन सेंट एंथोनी स्कूल लंदन से ली, फिर वो ऑक्सफोर्ड चले गए। ऑक्सफोर्ड ने वहाँ 2 साल बिताए, जहाँ पे उन्होंने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज सीखी, क्लासिकल ट्रेजेडीज एंड क्लासिकल कॉमेडीज भी पढ़ी। फिर 1496 में इनके फादर ने इन्हें लंदन वापस बुला लिया और लॉ पढ़ने के लिए कहा। मोर का एडमिशन लिंकन्स इन में हो गया और जल्द ही ये प्रैक्टिसिंग लॉयर बन गए। भले ही ये एक लॉयर बन गए थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट रीडिंग से उठा नहीं। ये हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, थियोलॉजी, रिलीजन, क्लासिकल राइटिंग, इन सब में इनका बहुत इंटरेस्ट था। ये डच फिलोसफर इरास्मस के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जिनके वर्क ने मोर को बहुत इन्फ्लुएंस किया। 1504 में थॉमस मोर पार्लियामेंट में एंटर हुए। इस समय हेनरी 7 इंग्लैंड के किंग थे। थॉमस मोर के कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हुए किंग से, लेकिन जब हेनरी 7 की डेथ हुई और हेनरी 8 किंग बने, थॉमस मोर का स्टेटस पार्लियामेंट में बढ़ गया और 1521 में ये एक्सचेकर बने ट्रेजरी के। उनको हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर भी बनाया गया। इस समय इंग्लिश पार्लियामेंट के 2 हाउस होते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ये वही समय था जब मार्टिन लूथर ने अपना प्रोटेस्टेंट वर्क 95 थीसिस लिखा था, और रोमन कैथोलिक होने के कारण थॉमस मोर और हेनरी 8 ने मार्टिन लूथर और उनके वर्क को अपोज किया। अब ईयर 1527 से थॉमस मोर और किंग के रिलेशन बिगड़ने लगे। हेनरी 8 चाहते थे कि वो कैथरीन ऑफ एरगोन, जो उनकी वाइफ थी, उन्हें बेटा नहीं हो रहा था। तो किंग ने सोचा, मैं कैथरीन को डाइवोर्स देके एने वॉलियन से शादी कर लेता हूँ। लेकिन रोमन कैथोलिज्म और पोप उस समय डाइवोर्स को अलाउ नहीं करते थे, लेकिन हेनरी 8 नहीं माने। उन्होंने कैथरीन को डाइवोर्स दे दिया और एने वॉलियन से शादी कर ली। तो ईयर 1532 में सर थॉमस मोर ने पार्लियामेंट से रिजाइन कर दिया और ये किंग की नई वाइफ एने वॉलियन के कोरोनेशन में भी नहीं गए। ईयर 1534 में जब किंग हेनरी ने थॉमस मोर से एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी में साइन करने को कहा, तो थॉमस मोर ने मना कर दिया। अब एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी समझते हैं क्या होता है। ये एक्ट ये कहता है कि जो किंग होगा इंग्लैंड का, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का भी हेड हो जाएगा। मतलब जितने भी रिलीजियस डिसीजन होंगे वो किंग लेगा, और पोप, जो रोमन कैथोलिज्म के हेड हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होगा इंग्लैंड के चर्च से। तो ये कहता था एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, जो थॉमस मोर ने साइन करने से मना कर दिया। तो जब थॉमस मोर ने मना किया तो इन्हें 1534 में टावर ऑफ लंदन में इम्प्रिजन कर दिया गया और 1535 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और थॉमस मोर के लास्ट वर्ड थे, द किंग्स गुड सर्वेंट बट गॉड्स फर्स्ट।
मतलब मैं राजा का अच्छा सेवक हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं भगवान का सेवक हूँ। ये तो था ऑदर्स की लाइफ के बारे में। अब हम समरी पढ़ते हैं यूटोपिया की। यूटोपिया की समरी पढ़ने से पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स सर थॉमस मोर खुद हैं। सेकेंड कैरेक्टर है पीटर गिल्स, जो रियल लाइफ कैरेक्टर है, जो थॉमस मोर का फ्रेंड था। तो सर थॉमस मोर पीटर गिल्स से मिलने आए हैं फ्लैंडर्स, जिसे हम बेल्जियम के नाम से जानते हैं आज। नेक्स्ट कैरेक्टर राफेल हितलोडे। पीटर गिल्स राफेल से इंट्रोडक्शन कराते हैं थॉमस मोर का। राफेल एक ट्रैवलर है जो दावा कर रहा है कि वो एमरीगो वेस्पुची के साथ न्यूफाउंडलैंड तक घूम के आया है। न्यूफाउंडलैंड मींस अमेरिका, और अमेरिगो वेस्पुची जो है वो रियल लाइफ ट्रेवलर हैं। तो राफेल बता रहा है कि जब न्यूफाउंडलैंड हम लोग गए, उसके बाद हम लोगों के रास्ते अलग हो गए, क्योंकि मुझे एक नया लैंड, नया आइलैंड खोजना था, जो था यूटोपिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉन मॉर्टन, जो आर्क बिशप है कैंटरबरी के। ये रियल लाइफ कैरेक्टर हैं उस समय के। ये डिनर होस्ट कर रहे हैं अपने घर में, जहाँ पे थॉमस मोर, राफेल हितलोडे, पीटर गिल्स, ये सब लोग आए हुए हैं। लास्ट कैरेक्टर है जनरल यूटोपस। जनरल यूटोपस फिक्शनल कैरेक्टर हैं, जो फाउंडर हैं यूटोपिया के। अब हम समरी देख लेते हैं यूटोपिया की। बुक की स्टार्टिंग में सर थॉमस मोर ने यूटोपिया को रियल दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, जैसे यूटोपियन लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ पोयम, यूटोपिया का मैप, यूटोपिया के आए हुए कुछ लेटर्स, ये सब दिखाने की कोशिश की है, जिससे रीडर्स जब ये बुक पढ़ें तो उनको ऐसा लगे कि हाँ, कोई प्लेस है यूटोपिया नाम का। तो बुक वन स्टार्ट होती है। बुक वन में थॉमस मोर अपने फ्रेंड पीटर गिल्स के यहाँ गए हुए हैं फ्लैंडर्स, जो बेल्जियम के नाम से जाना जाता है। पीटर गिल्स जो है वो रियल लाइफ कैरेक्टर थे और थॉमस मोर के फ्रेंड थे। तो जब थॉमस मोर उनसे मिलने आते हैं, तो पीटर गिल्स थॉमस मोर को एक फिक्शनल कैरेक्टर राफेल हितलोडे से मिलाता है। राफेल ये दावा कर रहा है कि वो अमेरिगो वेस्पुची के साथ न्यूफाउंडलैंड तक होके आया है, वहां तक ट्रेवल करके आया है। लेकिन जब अमेरिगो और ज्यादा दूर जाने, तो राफेल वापस आ गया, क्योंकि इन्हें यूटोपिया जाना था। अब जॉन मॉर्टन, जो आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी हैं, ये रियल लाइफ कैरेक्टर हैं, इन्होंने सबको बुलाया है डिनर पार्टी में, डिनर के लिए। तो रात में ये सब लोग इकट्ठे होते हैं और इनका डिस्कशन स्टार्ट होता है। तो बातों ही बातों में कहता है कि यदि कोई इंसान चोरी करता है, तो चोरी के लिए उसको डेथ पनिशमेंट देना सही नहीं है, क्योंकि डेथ सेंटेंस देने का अधिकार सिर्फ गॉड के पास होता है। आप चोरी के लिए उसको कड़ी सजा दे सकते हैं, जैसे उसको स्लेव बना सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस देना एक मामूली सी चोरी के लिए सही नहीं है। राफेल आगे बताता है कि जिस लैंड वो होके आया है यूटोपिया, वहाँ पे ऐसी छोटी मिस्टेक्स के लिए डेथ सेंटेंस नहीं दी जाती, बल्कि वहाँ पे इनको स्लेव बना दिया जाता है। फिर राफेल हितलोडे वहाँ के कल्चर, वहाँ के पॉलिटिक्स, वहाँ के लोगों के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है, और बुक वन यहाँ पे ख़त्म होती है। फिर बुक टू स्टार्ट होती है। बुक टू में हितलोडे इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन देता है यूटोपिया के फिजिकल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो राफेल हितलोडे बताता है कि पहले यूटोपिया भी मेनलैंड का हिस्सा हुआ करता था, पेनिनसुला का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जनरल यूटोपस ने क्या किया, अपने लोगों और आर्मी से एक 17 मील्स की एक चैनल खुदवाई और पेनिनसुला से अपने यूटोपिया को अलग कर दिया, और यूटोपिया एक आइलैंड बन गया। अब यूटोपिया एक नए नेशन के रूप में था, जहाँ पे 54 सिटीज थी, जहाँ पे हर सिटी का डायमीटर लगभग 20 माइल्स का था। यूटोपिया की कैपिटल है एमरोट, और यहाँ से एक नदी बहती है एनिडर नाम की। हर एक सिटी में फोर्टिफिकेशन है वॉल का, जिससे एनिमीज के अटैक से बचा जा सके। हर सिटी में टावर है, हर सिटी में फोर्ट है। यहाँ की रोड्स 20 फीट वाइड हैं। यहाँ पे जितने भी हाउस हैं वो यूनिफॉर्मली बनाए गए हैं। हर एक घर में गार्डन है। हर घर में दो डोर है, फ्रंट डोर एंड बैक डोर, लेकिन डोर्स में लॉक नहीं है। यहाँ के लोग अपने घर में लॉक नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है। जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर किसी एक पर्सन का हक नहीं है, ये सबकी प्रॉपर्टी है। राफेल हितलोडे चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन करते हैं यूटोपिया का। फर्स्ट चैप्टर में जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन किया गया है यूटोपिया का। वो बताते हैं कि यूटोपिया एक आइलैंड है जो क्रिसेंट मून की शेप में है। ये पहले मेनलैंड मतलब पेनिनसुला से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ के किंग यूटोपस ने 17 माइल का चैनल खुदवाया अपने लोगों और आर्मी के द्वारा, और इसे एक इंडिपेंडेंट आइलैंड बना लिया। इस आइलैंड का टोटल एरिया अबाउट 200 माइल्स है। यूटोपिया में टोटल 54 सिटीज हैं और इनका कैपिटल है एमरोट। तो चैप्टर वन में यूटोपिया का जियोग्राफिकल डिस्कशन किया गया है। सेकेंड चैप्टर में यूटोपिया की सिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ की कैपिटल सिटी एमरोट के बारे में डिस्कशन किया गया है। वो बताते हैं कि यहाँ के हाउस एक यूनिफॉर्म्ड प्लानिंग के साथ बनाए गए हैं। ईच हाउस इज ऑफ 3 स्टोरी। हर मकान 3 मंजिला है।
हर मकान में दो डोर हैं, एक फ्रंट डोर एक बैक डोर, और सभी हाउसेस में बैक डोर से एक गार्डन कनेक्टेड है। फिर यहाँ के फोर्ट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है कि यहाँ के फोर्ट्स 20 मीटर हाई वॉल से फोर्टिफाइड हैं। ये वॉल्स इसलिए बनाई गई हैं कि एनिमी का अटैक ना हो सके यूटोपिया पर। हर सिटीज़ में फोर्ट के अलावा टावर भी हैं। तो इस चैप्टर में सिटीज़, हाउसेस, फोर्ट, टावर्स का डिस्कशन किया गया है। फिर यहाँ के मजिस्ट्रेट के बारे में डिस्कशन किया गया है कि मजिस्ट्रेट कैसे हैं, यहाँ का जस्टिस सिस्टम कैसा है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे क्राइम के लिए डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाता, बल्कि वहाँ पे स्लेब्स बना लिया जाता है लोगों को। जो लोग क्राइम करते हैं उनको स्लेब्स बना लिया जाता है, फिर उनसे काम करवाया जाता है। और जो लोग यूटोपियन नहीं हैं, जिनको वॉर के समय बंदी बनाया गया है, जो यूटोपिया के लोग नहीं हैं, उनको भी स्लेब्स बना लिया जाता है। वो बताते हैं कि यहाँ डेथ सेंटेंस सिर्फ एडल्ट्री के लिए मिलता है। यदि कोई पहली बार एडल्ट्री करता पाया गया तो उसे स्लेव बना दिया जाता है, और दूसरी बार अगर उसने वही हरकत की तो उसे डेथ सेंटेंस मिलता था। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ के ट्रेड और लाइफ के बारे में डिस्कशन किया गया है कि यहाँ पे लोग 6 घंटे ही काम करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, और फ्री टाइम में लेक्चर अटेंड करते हैं, गेम्स खेलते हैं और लाइफ एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मनी नहीं है, मनी नहीं है तो कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब लोग बराबर हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यूटोपिया की पॉपुलेशन और यहाँ के फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। तो वो बताते हैं कि यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन 6,000 है। एक सिटी में 6,000 रेसिडेंट्स हो सकते हैं। एक फैमिली में मिनिमम 10 लोग होंगे और मैक्सिमम 16 लोग होंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यूटोपिया के ट्रैवलिंग का डिस्कशन किया गया है कि यूटोपियन के लोग एक सिटी से दूसरे सिटी तक ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले इन्हें मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। आप बिना परमिशन के यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यूटोपियन मैरिज के बारे में डिस्कशन किया गया है, कैसे यूटोपिया में मैरिज होती है। यूटोपिया में प्री मैरिटल सेक्स अलाउ नहीं है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि यदि प्री मैरिटल सेक्स होगा तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है। यूटोपिया में डाइवोर्स अलाउ था। अगर लाइफ पार्टनर एक दूसरे से खुश नहीं है तो वो डाइवोर्स दे सकते थे, लेकिन डाइवोर्स ज्यादा कॉमन नहीं था यूटोपिया में। नेक्स्ट चैप्टर में मिलिट्री का डिस्कशन किया गया है यूटोपिया का। रफेल बताते हैं कि यूटोपिया में ज़्यादा वॉर नहीं होते थे, वहाँ पे बहुत शांति थी, लेकिन जब वॉर की कंडीशन आती थी या कहीं से बाहर से अटैक होता था तो यहाँ का हर एक इंसान, चाहे वो मैन हो या वूमेन, वॉर में हिस्सा लेते थे और अपनी कंट्री को सेव करते थे। लेकिन यूटोपिया में ऐसी स्थिति आती नहीं है, वहाँ ब्लड शेड बहुत कम है। फिर लास्ट चैप्टर में यूटोपिया के रिलीजन के बारे में डिस्कशन होता है। रफेल बताते हैं कि यूटोपिया में क्रिश्चियनिटी नहीं है। वहाँ पे लोग सन को वर्शिप करते हैं, मून वर्शिप करते हैं, बहुत सारे प्लैनेट वर्शिप करते हैं, बहुत सारे आइडियल वर्शिप करते हैं, लेकिन वो लोग ये भी बिलीव करते हैं कि एक सुप्रीम गॉड है जो उनको सबको कंट्रोल कर रहा है। और ये सब चीज़ें बता के हिटलर डे अपना डिस्कशन ख़त्म करता है और यहाँ पे बुक 2 की समरी भी ख़त्म होती है। अब हमारा यूटोपिया का नेक्स्ट पार्ट है, मेन आइडियाज ऑफ यूटोपिया। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं परफेक्ट प्लेस। थॉमस मोर ने कॉइन किया वर्ड यूटोपिया, जिसका मतलब होता है परफेक्ट प्लेस। मोर पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने ये आइडिया यूज किया। प्लेटो ने अपने वर्क द रिपब्लिक में भी यही आइडिया यूज किया था। तो जब एक राइटर ये आइडिया दुनिया के सामने रखता है तो वो यही चाहता है कि उसकी सोसाइटी या उसका प्लेस परफेक्ट हो सके, जहाँ पे हर इंसान खुश हो, जहाँ क्राइम ना हो, जहाँ दुख ना हो, जहाँ गवर्नमेंट परफेक्ट हो, जहाँ पे लोग परफेक्ट हो, जहाँ पे जजमेंट परफेक्ट हो। सर थॉमस मोर के वर्क के बाद दो जॉनरा बहुत फेमस हुए, यूटोपिया एंड डिस्टोपिया। यूटोपिया मीन परफेक्ट लैंड एंड डिस्टोपिया मीन वर्स्ट लैंड। कुछ फेमस यूटोपियन वर्क जो यूटोपिया से इन्फ्लुएंस होकर लिखे गए हैं वो हैं सैमुअल बटलर का वर्क एयर होम, H.G. वेल का वर्क अ मॉडर्न यूटोपिया, V.F. स्किनर का वर्क वेल्डन 2। कुछ डिस्टोपियन वर्क हैं द टाइम मशीन बाय H.G. वेल्स, व्हेन द स्लीपर वेक्स बाय H.G. वेल्स, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय एल्डोस हक्सली, 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, लॉर्ड ऑफ फ्लीस बाय विलियम गोल्डिंग, द हैंडमेड टेल्स बाय मार्गरेट एटवुड। अब यूटोपिया का दूसरा मेन आइडिया है प्रॉपर्टी एंड वेल्थ का। थॉमस मोर ने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि यूटोपिया में मनी नहीं है, वहाँ पे करेंसी नहीं है, सभी लोगों का बराबरी का अधिकार है प्रॉपर्टी में, तो यही आइडिया कार्ल मार्क्स ने अपने वर्क डेस कैपिटल में यूज़ किया था कि एक स्टेट में कैपिटलिज्म नहीं होनी चाहिए। कैपिटलिज्म से कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं,
कुछ लोग बहुत गरीब हो जाते हैं और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने अपने वर्क डेस कैपिटल में कैपिटलिज्म का विरोध किया है। नेक्स्ट मेन आइडिया है यूटोपिया का क्राइम एंड पनिशमेंट के ऊपर। थॉमस मोर ने यूटोपिया के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट सबके सामने रखा कि छोटे छोटे क्राइम के लिए हमें डेथ सेंटेंस नहीं देनी चाहिए, जैसे चोरी है या डकैती है, इन चीज़ों के लिए डेथ सेंटेंस देना सही नहीं। वो ये मानते हैं कि डेथ देने का अधिकार सिर्फ गॉड के पास है, तो छोटे मोटे क्राइम के लिए हमें डेथ सेंटेंस नहीं देनी चाहिए। तो उनका मानना था कि डेथ सेंटेंस देने की बजाय क्रिमिनल्स को स्लेव बना लिया जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ी ट्रेजिडी देखिए, जो डेथ पनिशमेंट का विरोध कर रहा था उसको खुद डेथ पनिशमेंट मिली। सर थॉमस मोर के ऊपर गलत चार्जेस लगा के उनको बिहेड कर दिया गया, उन्हें डेथ सेंटेंस दे दी गई। तो ये कुछ मेन आइडियाज़ थे जो यूटोपिया में सर थॉमस मोर के द्वारा यूज़ किए गए। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो है MCQs। यूटोपिया वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एक क्वेश्चन इसके ऊपर से पूछा जाता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन यूटोपिया एंड सर थॉमस मोर। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज थॉमस मोर बॉर्न? नॉटिंगहम, लंडन, पेरिस, वेसेक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस मोर ड्रीम्ड ऑफ अ परफेक्ट सोसाइटी इन हिज यूटोपिया वॉज रिटन इन लैटिन इन 1516, 1531, 1546, 1551। एंड द करेक्ट आंसर इज 1516। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज मोर डिक्लेयर्ड अ सेंट बाय द कैथोलिक चर्च? 1635, 1735, 1835, 1935। एंड द करेक्ट आंसर इज 1935। ही वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सेंट इन 1935 बाय पोप पायस सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्रोफेशंस वॉज नॉट कैरीड बाय थॉमस मोर? लॉयर, राइटर, म्यूजिशियन, स्टेट्समैन। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो लॉयर भी थे, राइटर भी थे, स्टेट्समैन भी थे, सिर्फ म्यूजिशियन नहीं थे। सो द राइट आंसर इज म्यूजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस मोर थॉट दैट अ परफेक्ट वर्ल्ड वुड बी बेटर ऑफ विदाउट विच प्रोफेशनल्स? टीचर्स, लॉयर्स, सेप्स, राइटर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज लॉयर्स। थॉमस मोर खुद लॉयर होने के बावजूद भी ऐसा मानते थे कि यदि लॉयर्स ना हों तो ये वर्ल्ड और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर आर्ग्यूज इन अपोजिशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ थीव्स इन इंग्लैंड? पीटर गिल्स, एनिमोलियस, थॉमस मोर, राफेल हिथलोडे। एंड द करेक्ट आंसर इज राफेल हिथलोडे। राफेल हिथलोडे मानता था कि जैसा इंग्लैंड में होता है कि छोटे छोटे क्राइम के लिए भी डेथ सेंटेंस दी जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि डेथ देने का अधिकार सिर्फ गॉड के पास है। लेकिन वो ये भी मानता है कि जब क्राइम ज़्यादा सीवियर हो, जैसे मर्डर, एडल्ट्री, तब डेथ सेंटेंस दी जा सकती है, जैसे यूटोपिया में होता है। ये भले ही राफेल हिथलोडे बोल रहा है, लेकिन ये तो एक फिक्शनल कैरेक्टर था। यहाँ पे हमें थॉमस मोर के ही व्यूज़ समझ में आ रहे हैं कि थॉमस मोर ही चाहते थे और राफेल हिथलोडे के डिस्व्यूज़ में वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट ऑन थॉमस मोर्स यूटोपिया। करेक्ट आंसर इज बी, यूटोपिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट रिकॉर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन थॉमस मोर एंड राफेल हिथलोडे एंड द सेकेंड इज हिथलोडे डिस्कोर्स ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस टेक्स्ट वॉज नॉट अ सोर्स ऑफ यूटोपिया? प्लेटोस रिपब्लिक, सिजरो डी रिपब्लिका, होमस इलियड, सेंट अगस्टिन्स डे सिविटेट डी। एंड द करेक्ट आंसर इज होमस इलियड। बाकी थ्री वर्क से कुछ ना कुछ पार्ट थॉमस मोर ने लिया है अपने वर्क यूटोपिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड यूटोपिया डिराइविंग फ्रॉम द ग्रीक हैज विच डबल मीनिंग? एवरी प्लेस एंड न्यू प्लेस, नो प्लेस एंड गुड प्लेस, हिडन प्लेस एंड परफेक्ट प्लेस, पॉसिबल प्लेस एंड इम्पॉसिबल प्लेस। एंड द करेक्ट आंसर इज नो प्लेस एंड गुड प्लेस। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यूटोपिया यू टोपोस और ओ टोपोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है गुड प्लेस एंड नो प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज थॉमस मोर फर्स्ट मीट राफेल हिथलोडे? लंदन, ब्रुजिस, एंटवर्प, यूटोपिया।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीटर गिल्स जो थॉमस मोर के फ्रेंड थे, उन्होंने थॉमस मोर को राफेल हिथलोडे से मिलवाया था एंटीवर्प जो फ्लैंडर में है, जिसे हम बेल्जियम के नाम से जानते हैं। सो द राइट आंसर इज एंटीवर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हाउ मैनी वॉयजेस डिड हिथलोडे एकंपनी अमेरिगो वेस्पुसी? 1, 4, 3, 2। और इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज राफेल हिथलोडे फ्रॉम? स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस, इटली। एंड द करेक्ट आंसर इज राफेल हिथलोडे इज अ पुर्तगाल ट्रेवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हाट एंशियंट पीपल डस हिथलोडे बिलीव दैट यूटोपियंस आर डिसेंडेड? द ग्रीक्स, द इजिप्शियन, द असीरियंस, द रोमन्स। एंड ही बिलीव्स दैट दे वर डिसेंडेंट फ्रॉम द ग्रीक पीपल, क्योंकि यूटोपियंस भी आइडियल वर्शिप नहीं करते थे, ये सन और मून्स की वर्शिप करते थे। तो हिथलोडे ने सोचा कि शायद ये लोग ग्रीक से डिसेंडेड ही हुए हैं, क्योंकि ग्रीक्स लोग भी ऐसा ही करते थे, आइडियल वर्शिप नहीं करते थे, वो सन मून और प्लैनेट्स की वर्शिप किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाइड इज द आइलैंड ऑफ यूटोपिया इन डायमीटर? 100 miles, 200 miles, 50 miles, 15 miles। एंड द करेक्ट आंसर इज 200 miles। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सिटीज डस यूटोपिया हैज? 52, 53, 54, 55। एंड द करेक्ट आंसर इज 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज देयर नथिंग प्राइवेट एनीवेयर इन यूटोपिया? सेंटिनल सी एवरीथिंग, देयर आर नो लॉक डोर्स, एवरीथिंग इज कन्फेस्ड, सीक्रेट्स आर इलीगल। एंड द करेक्ट आंसर इज देयर आर नो लॉक डोर्स। यूटोपिया में कोई भी चीज प्राइवेट नहीं थी, यूटोपिया का हर एक पर्सन वहां की चीज को फ्रीली यूज कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस वुड यूटोपियंस नॉट एंगेज इन वॉर? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, टू प्रोटेक्ट एलीस, टू गेन टेरिटरीज, टू फ्री ऑप्रेस्ड पीपल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज टू गेन टेरिटरीज। यूटोपियंस कभी भी टेरिटरी गेन करने के लिए वॉर नहीं लड़ते थे, ना ही वो कभी कॉलोनीज बनाने के लिए वॉर करते थे। ये लोग ब्लड सेड में बिलीव नहीं करते थे, ये लोग चाहते थे कभी वॉर ना हो, लेकिन जब एनिमीज इनकी टेरिटरी में अटैक करते थे तो मैन, वूमेन सभी लोग एकजुट होकर वॉर में हिस्सा लेते थे और अपनी टेरिटरी को बचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर इन यूटोपिया हैज अ नेम मीनिंग विदाउट वाटर, व्हाट इट इज कॉल्ड? एनिडर, एनोडर, एनिडर, एन्यूडर। एंड द करेक्ट नेम ऑफ रिवर वॉज एनिडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज अ सेट वर्किंग डे इन यूटोपिया? 6 hours, 8 hours, 10 hours, 12 hours। एंड द करेक्ट आंसर इज 6 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी हाउस इन यूटोपिया हैज अ बैक डोर विच लीड टू व्हाट? अ गार्डन, अ लेन, अ कंजर्वेटरी, अ शॉप। एंड द करेक्ट आंसर इज बैक डोर लीड्स टू अ गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सोर्स ऑफ पर्सनल प्राइड फॉर यूटोपियन? हिज रिलीजियस वर्च्यू, हिज गार्डन, हिज मिलिट्री वैलोर, हिज क्लॉथिंग। करेक्ट आंसर इज हिज गार्डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन टू बिकम अ स्लेव इन यूटोपियन? बींग कैप्चर्ड बाय द यूटोपियंस इन बैटल, कमिटिंग अ टेरिबल क्राइम विद इन यूटोपिया सच एज एडल्ट्री, टेकिंग फूड फ्रॉम कम्युनियल स्टोर, बींग कंडेम्ड टू डेथ इन अनदर कंट्री एंड सेव्ड बाय यूटोपियंस। एंड द करेक्ट आंसर इज कमिटिंग अ टेरिबल क्राइम विद इन यूटोपिया सच एज एडल्ट्री। एडल्ट्री, मर्डर, ऐसे क्राइम्स के लिए स्लेव नहीं बनाया जाता था, डेथ सेंटेंस दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एमरॉट, द नेम ऑफ यूटोपियास कैपिटल सिटी? कैसल इन द एयर, कैसल ऑफ लव, कैसल इन द सी, कैसल ऑफ पैराडाइज। एंड द करेक्ट आंसर इज कैसल इन द एयर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू ऑल लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे कनेक्टेड टू माइंड मैप लिटरेचर फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।